सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेले जा रहे हैं BeamNG ड्राइव। तो आज हम लोग चलाने वाले हैं लैंड क्रूजर लेक्सस। तो आप लोग देख ही सकते हो इस कार का लुक और वगैरह कैसा लग रहा है आप लोग को, एक बार प्लीज़ कमेंट में जाकर के जरूर बताना, क्योंकि इस कार का आज लास्ट डे है भाई। आज ही मैंने इसको ख़रीदा है और आज ही मैं इसको तोड़ने वाला भी हूँ, क्योंकि हम लोग एक 1000 फीट ऊँचे पहाड़ पर खड़े हैं और इसको यहीं से भी हम लोग नीचे गिराने वाले हैं। और 3-4 कार और मेरे पास है लग्जरी कार, वो सब कार भी मैं अभी नीचे गिराने वाला हूँ और देखता हूँ इसका क्या हालत होने वाला है भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो जो भाई लोग चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहाड़ से नीचे कार को गिराने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो एक बार इसको बैक कर लेते हैं, क्योंकि बैक से जाएंगे थोड़ा सा स्पीड में और देखते हैं कार का क्या हालत होने वाला है। तो अब लोग निकल चुके हैं और फुल एक्सीलेटर करने के बाद कार को अभी हम लोग पहाड़ से नीचे गिरा दिए भाई, और कार का क्या हालत हो गया भाई साहब। ओ भाई ले भाई साहब, अपना कार पूरी तरीके से डैमेज हो, मेरे ख्याल से ये फिर कभी बनने वाला में ही नहीं है भाई। इसका एक भी फाट है ऐसा नहीं होगा जो कि डैमेज नहीं हुआ होगा, और ये कार पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है भाई। इसका बस मेरे को इंजन तक ही चलाने लगा भाई। अब क्या होगा भाई साहब ये कार का। ओह भाई साहब इसका चेसिस भी अलग हो चुका है भाई और बॉडी पार्ट अलग है, और अभी भी इंजन स्टार्ट है भाई। थोड़ा सा रेस करके देखते हैं। ये रहा भाई इंजन का, आप लोग एक बार दिखाते हैं आपको एक बार जूम करके। ओह भाई इंजन किस तरीके से हिल रहा है भाई, और ये रहा कार का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। आप लोग देख ही सकते हो कार का क्या हालत हो चुका है, इंजन वगैरह बॉडी पार्ट्स वगैरह सारे अलग हो चुके हैं। और वो देखो भाई सामने टायर वगैरह जा रहा है सब नदी में, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए लाते हैं अपने नेक्स्ट कार को, और वो एक स्पोर्ट्स कार है भाई, तो चलिए उसको लाते हैं ऑडी को। तो गाइज अपना नेक्स्ट कार ऑडी Q5 है भाई, जो कि लेटेस्ट मॉडल है 2024 का, और इस कार को मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है भाई मेरे को इस कार से। बट क्या ही कर सकते हैं, इस कार को अब हम लोग इससे नीचे गिराने वाले हैं और देखते हैं क्या ये रिपेयर होने लायक होता है, बचता भी है या नहीं, या पहले वाले कार से और भी ज़्यादा ये डैमेज हो पाता है। तो चलिए इसको भी स्पीड में निकालते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग लगाते हैं अपना फर्स्ट गियर और निकालते हैं इस कार को यहाँ से, और देखते हैं क्या हालत होने वाला है इस कार का यहाँ से गिरने के बाद। ओह भाई साहब ये तो अभी धीरे धीरे जा रहा है, और देखते हैं आगे जाकर के इसका स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये देखो भाई स्टीयरिंग अपने आप ही कट रहा है भाई, स्टीयरिंग वगैरह। और ये कार का बिल्ड क्वालिटी मेरे ख्याल से इसको मानना पड़ेगा भाई, अभी तक ये कार उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। बट देखते हैं इस कार को कितना ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग हम दे पाते हैं, क्योंकि भाई साहब इस कार का भी मेरे ख्याल से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है भाई। बट पहले वाले कार से तो ठीक हमको नज़र आ रहा है भाई, पहले वाले कार का तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बट इस वाले कार का उतना भी ज़्यादा नहीं हो पाया। अभी तक टायर वगैरह लगे हुए सारी चीज़ इंजन वगैरह। तो इस कार को मैं सेफ्टी रेटिंग में 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि ये कार काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमको लग रहा है भाई, क्योंकि ये कार को देख करके आपको भी लग रहा होगा भाई कितना ज़्यादा मजबूत है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी देखो आप लोग कार में एक मेरे ख्याल से क्या है भाई, गेट वगैरह सभी लगे हुए हैं सीट और टायर वगैरह। बट वो वाला कार में तो आप लोग देखें कि किस तरीके से बॉडी चेसिस और बॉडी पार्ट्स अलग हो गए सारे। तो चलिए इसको 5 में से 5 स्टार मिलते हैं, और अभी हम लोग फिर से अपना नया कार लाते हैं भाई। तो गाइस अभी हम लोग अपना मोस्ट फेवरेट कार और एक्सपेंसिव कार भाई, सबसे ज़्यादा महंगा कार अपने पास यही वाला था रॉल्स रॉयल्स कैलिनन, और आज हम लोग इसी को इस पहाड़ से नीचे फेंकने वाले हैं भाई, और देखते हैं क्या ये सरवाइव कर पाता है या फिर अब देखते हैं भाई। तो चलिए इसको लगाते हैं फर्स्ट गियर और कार को उड़ाते हैं भाई, और देखते हैं क्या हालत होने वाला है इसको यहाँ से फेंकने के बाद। ओ भाई साहब इस कार को तो हम लोग फेंके और डिक्की वगैरह सारा चीज़ खुल चुका है, बट इसको भी मैं मेरे ख्याल से इसका भी कार काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से ये सेफ नज़र आ रहा है भाई।
अभी तक तो इसमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और पिछले वाले कार से मेरे ख्याल से ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है भाई। डैमेज तो हर तरीके से हुआ है बट उतना ज़्यादा भी डैमेज नहीं हुआ है भाई साहब। कार को देखने के बाद उतना हमको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना भाई, अब क्या ही बता सकते हैं आप लोग को। अब मेरे दिल की बात आप लोग को मैं कैसे बताऊं, बट ये कार भी सेफ्टी रेटिंग के मामले में 5 में से 5 स्टार इसको मिलते हैं क्योंकि ये कार का भी सारा पार्ट्स कार में ही लगा हुआ है भाई, आप लोग देख सकते हैं। बट कार का जो लंबाई मेरे ख्याल से 4 मीटर या 5 मीटर था वो घट के 3 मीटर में आ चुका है भाई। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए इसको फिर से रिपेयर करवा लेंगे भाई क्योंकि ये रिपेयर के लायक है और अपना नेक्स्ट कार लाते हैं भाई। तो गाइस अपने पास नेक्स्ट कार लैंड रोवर डिफेंडर है जो कि आप लोग देख ही सकते हो आपके स्क्रीन पे सामने है और ये कार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई ऑफ रोडिंग के मामले में। और देखते हैं इसका आज क्या हालत होने वाला है इस पहाड़ के नीचे गिरने के बाद। तो चलिए इसमें भी लगाते हैं फर्स्ट गियर और लगा दिए भाई अपना फर्स्ट गियर और देखते हैं ये कार का क्या हालत होने वाला है क्योंकि ये कार यहीं पे पलटी हो चुका है भाई और अपना टायर एक टायर जा चुका है भाई, मेरे ख्याल से दूसरा वाला भी जाने वाला है सामने वाला टायर। और ये इधर ही रुक गया भाई, इधर नहीं रुकना है आपको अभी। चलो भाई अभी पहाड़ के आधे हिस्से में भी नहीं आए हैं हम लोग अभी और देखते हैं। ये कार मेरे ख्याल से यहीं रुक गया बट इतने में मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो एक बार इसको फिर से हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि ये पूरा फुल क्रैश टेस्ट तो नहीं हो पाया भाई। तो गाइस चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं बट इस बार एंगल अपना चेंज करते हैं क्योंकि उधर मेरे ख्याल से कार फिर से रुक जाएगा तो क्रैश टेस्ट करने का मज़ा ही नहीं है कुछ। जब तक कार नीचे नहीं जाती तब तक हमको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता और इस बार मेरे ख्याल से कार नीचे जाने वाला है भाई साहब। और कार को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है इस बार पिछले वाले के मुताबिक और ये कार मेरे ख्याल से देखते भाई कितने स्टार ला पाता है अभी भाई। और लो भाई साहब इसका भी टायर वगैरह सारा चीज़ जा चुका है और देखते भाई। लो भाई साहब अब कार गोल से घूमना शुरू हो चुका है और इसका टायर भी अभी तक भाई किस पे लटका हुआ भाई देख सकते हो आप लोग, मेरे ख्याल से सस्पेंशन पे लगा हुआ है भाई। और कार का क्या हालत हो चुका है भाई साहब देख के कोई बता नहीं सकता है कि ये लैंड रोवर डिफेंडर है। और इस कार को भी मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा भाई क्योंकि ये कार का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है क्योंकि ये अब मेरे ख्याल से रिपेयर के लायक नहीं है भाई। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है फिर से हम लोग इसको नया ले लेंगे। तो चलिए अपना लाते हैं नेक्स्ट कार। तो गाइस अपने पास BMW 5 सीरीज़ का कार है भाई और ये एक लास्ट कार मेरे ख्याल से बच रहा है अपने पास क्रैश टेस्ट करने के बाद, उसके बाद अपने पास कोई सा भी कार नहीं है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है हम लोग फिर से ख़रीद लेंगे भाई, बट आज के लिए इतना ही, ये मेरे ख्याल से ये लास्ट कार है। तो देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है और ये एक लग्जरी कार है भाई, थोड़ा सा महंगा भी है बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब क्रैश टेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। ओ भाई साहब और देखते इसका क्या हालत होने वाला है, अभी तक तो ये सही सलामत था बट अब जा कर के इसका हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है भाई और ये अब किसी लायक के मेरे ख्याल से नहीं रह रहा है, ये कार चलने के लायक तो है नहीं। और देखते लास्ट तक इसका क्या हालत होने वाला है, इसका भी इंजन वगैरह बाहर निकल जाएगा क्या भाई, बाहर तो नहीं निकलना चाहिए बट कार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरे ख्याल से। और ये ओ भाई साहब एक बार फिर से एक पहाड़ से टकराया भाई, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। तो गाइस आप लोग कार का हालत देख ही सकते हो क्या हो चुका है हालत भाई, ये सेडान से मेरे ख्याल से एक सेडान से ओ मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं उसका नाम, हैचबैक कार बन चुका है भाई सेडान से। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, ओ सॉरी इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग तो हम लोग देना भूल ही गए, तो इसको 5 में से 4 स्टार मिलते हैं क्योंकि ये ड्राइवर वगैरह सबको सेफ रख सकता है भाई। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर यदि वीडियो अच्छा लगा भाई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।